हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके घर में 5 साल से कम वर्ष के छोटे बच्चे हैं और आपको उनका आधार कार्ड बनवाना हो, नया आधार कार्ड बनवाना हो, तो अब दोस्तों आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने काम पे व्यस्त रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो छोटे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनवाना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनवा पाया है तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे दोस्तों आप अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपके घर के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो क्या है प्रोसेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर के छोटे बच्चों का, 5 साल से कम के बच्चों का अगर आपको आधार कार्ड बनवाना हो, के लिए आप अपने मोबाइल फोन से ही ये सारा काम कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है चलिए जानते हैं। यहाँ पे साइड में दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, ताकि जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा वो आपको दिखाई दे। सबसे पहले तो गूगल क्रोम ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि IPBB। आपको दोस्तों ये टाइप करके सर्च करना होगा। फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट। तो सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई एम ए एक्साइटिंग कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और एक ऑप्शन है आई एम नॉट ए कस्टमर ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये जो नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद फिर से आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग और दूसरा है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विद अस। आपको क्या करना है, डोर स्टेप बैंकिंग पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक करते हैं, फिर से आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल करके आ जाता है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके घर के छोटे बच्चों का आधार कार्ड ही नहीं, इसके अलावा आप बैंक अकाउंट ओपनिंग भी करवा सकते हैं, इसके अलावा आप बिल पेमेंट करवा सकते हैं, आधार अपडेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो का टॉपिक है कि 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको आधार कार्ड बनवाने के लिए हम घर से कैसे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए बच्चा को आपको अब आधार सेंटर में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो स्टाफ होगा, आधार का जो अपडेट या फिर एनरोलमेंट का जो स्टाफ होगा, वो आपके घर में आएंगे और उसके बाद आपका काम करके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, तो अब आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको एक सोल्यूशन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जो भी बच्चा का आप आधार एनरोलमेंट करना चाहते हैं, उसका फुल नाम, उसका लास्ट नाम, उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर इंटर कीजिए, जीमेल आईडी अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, एड्रेस है वो पूरा एड्रेस भरना है पिन कोड के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे पिन कोड के बाद आपको बता रहा है कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक पिन कोड इंटर कर रहा हूँ, पिन कोड आप जैसे इंटर करेंगे तो नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे आपका नज़दीकी जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो अब दोस्तों आपको अपना जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद ये डिटेल आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आप एक रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नीचे आप देख सकते हैं टेक्स्ट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, इस बॉक्स में जो भी कैप्चा कोड है उसे एंटर करके सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये सारा चीज़ फिलअप करके सबमिट करते हैं,
उसके बाद जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एजेंट होगा उसके पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद हो सके 24 से 48 घंटे या 5 से 7 दिनों में वो जो एजेंट होगा वो आपके घर आएगा, जो स्टाफ होगा वो आपके घर आएगा रिक्वेस्ट दिया है एनरोलमेंट करने के लिए, तो उसका आप आधार कार्ड जो है बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए ही ये सर्विस है, मतलब 5 साल से कम का बच्चा होना चाहिए, जिसका दोस्तों सिर्फ फोटो कैप्चर किया जाएगा और गार्जियन का डिटेल लिया जाएगा और साथ ही बच्चा का जो डिटेल है वो लिया जाएगा और उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, यानी बाल आधार उसका बनेगा। तो आपको दोस्तों 5 साल से ऊपर के बच्चों का रिक्वेस्ट नहीं देना है, अगर आप उनका देंगे तो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनका बायोमेट्रिक बेसिस पे बनेगा तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। तो चाइल्ड एनरोलमेंट में ध्यान रहे 5 साल से कम के बच्चों का ही आप यहाँ से एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को पता चल गया है कि अगर आपके घर में 5 साल से कम वर्ष के बच्चे हैं और उनका आधार कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो अब दोस्तों आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में आधार का जो एजेंट होगा वो आएगा और आपके घर में ही एनरोलमेंट करके जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे 5 वर्ष से कम के बच्चों का आप चाइल्ड एनरोलमेंट के द्वारा आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। हम मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।